नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी लाइव। मैं हूं आपके साथ पंचिका सिंह। अयोध्या में 16 जनवरी से शुरू हुए प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का शुक्रवार 19 जनवरी को चौथा दिन है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के बाद नए मंदिर में 23 जनवरी से श्रद्धालुओं को दर्शन मिलेंगे। इससे पहले गुरुवार को रामलला की मूर्ति को गर्भगृह में बने आसन पर रख दिया गया था। कारीगरों ने मूर्ति को आसन पर खड़ा किया है। इस प्रोसेस में कम से कम 4 घंटे लगे हैं। बताया गया है कि अब मूर्ति को गंधवास के लिए सुगंधित जल में रखा जाएगा, फिर अनाज, फल और घी में भी रखा जाएगा। आज श्री राम लला का वैदिक मंत्रों के साथ औषाधिवास, केसराधिवास, घृताधिवास कराया गया है। फिर आरणी मंथन से कुंड में अग्नि प्रकट की गई। श्री राम लला 20 जनवरी को वास्तु शांति के बाद सिंहासन पर विराजेंगे। अब हम आपको प्राण प्रतिष्ठा से 3 दिन पहले प्रभु राम का दीदार कराएंगे, जहां रामलला की 51 इंच यानी 4.5 फीट की प्रतिमा की तस्वीर सामने आई है। गर्भगृह में बाल स्वरूप की मूर्ति है। मूर्ति में रामलला कमल के फूल पर खड़े हैं, हाथ में धनुष बाण है। आसन मकराना संगमरमर से बनाया गया है। इस पर 4 फीट ऊंचा सिंहासन रखा जाएगा। चेहरे पर मधुर मुस्कान है। ओम स्वास्तिक शंख चक्र के साथ श्यामल रंग में भगवान राम दिख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि गर्भगृह में अभी भगवान की आंखों पर पट्टी बंधी है और ये पट्टी 22 जनवरी को शुभ मुहूर्त में हटेगी और पूरे सिंहासन पर सोने की परत चढ़ाई जाएगी। मंदिर का शिखर भी सोने का होगा, लेकिन इस काम को बाद में किया जाएगा। जब गर्भगृह में भक्त दर्शन करने पहुंचेंगे तो आसन, सिंहासन और रामलला की प्रतिमा की कुल ऊंचाई करीब करीब 11 फीट होनी। सिंहासन और प्रतिमा की कुल ऊंचाई 8.25 फीट है, जबकि आसन 3 फीट का है। लेकिन क्या आपको पता है कि भगवान राम के 10 अवतार भी हैं? हम आपको मूर्ति दिखाएंगे जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि दोनों हाथों पर 5-5 अवतार हैं। पहला मत्स्य, दूसरा कुर्म, तीसरा वराह, चौथा नृसिंह, पांचवा वामन, छठवा परशुराम, सातवा राम, आठवा कृष्ण, नवा बुद्ध और आखिरी कल्कि। वहीं वामन अवतार के नीचे मतलब बाएं हाथ पर कमल है और कमल के जस्ट नीचे हनुमान है। वहीं दाएं हाथ में कल्कि के नीचे गरुण है। मूर्ति का वजन करीब 200 किलो है। मूर्ति की चौड़ाई 3 फीट है। इसी के साथ राम मंदिर के हर एक अपडेट को लेकर जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एबीपी लाइव।